रात के 11:30 बज रहे हैं और बीते 5.5 घंटे से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है। एबीपी गंगा नॉन स्टॉप कवरेज बिना रुके बिना थके आप तक पहुंचा रहा है। कहां से काफिला शुरू हुआ, कहां कहां पर रुका, कहां पर ब्रेक लिया, कहां पर आगे जाएगा, सबसे पहले सबसे सटीक अपडेट आप देख रहे हैं एबीपी गंगा पर। देखिए पहला ब्रेक ऋषभदेव में हुआ, दूसरा ब्रेक हुआ उदयपुर में, तीसरा ब्रेक हो सकता है चित्तौड़गढ़ के पास। ये अब तक की जानकारी हमारे पास है। तस्वीर अब देख लीजिए, ये वो काफिला है जो आगे बढ़ता चला जा रहा है, जिसमें वो 45 पुलिसकर्मी मौजूद हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई है अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज लाने की, जिसमें एक आईपीएस अधिकारी है, 40 कांस्टेबल है और 45 कुल पुलिस के अधिकारी है। केवल 5 अधिकारी ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल फोन है, बाकी 40 अधिकारियों के पास कोई फोन, कोई मोबाइल फोन नहीं है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है एबीपी गंगा के पास। ये वो काफिला जो आगे बढ़ता चला जा रहा है, जिसमें अतीक अहमद की मौजूदगी है और अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जा रहा है, क्योंकि देखिए अब रूट कहीं ना कहीं ये साफ होता नजर आया है। संभावित अभी तक का जो सामने आया है वो ये है कि झांसी से प्रयागराज ले जाया जाएगा। हालांकि किसी भी वक्त इसमें कोई बदलाव हो सकता है, जैसे ही अधिकारियों को कोई निर्देश मिलेगा ऊपर से तो इसमें बदलाव किया जा सकता है। प्लान्स पूरे तरीके से रेडी हैं, कुछ भी अगर संदिग्ध लगता है पुलिस प्रशासन को तो इसमें कभी भी बदलाव हो सकता है। ये अपडेट आप देख लीजिए 6:00 बजे, देखिए क्या हुआ, उसके बाद 9 से 10 बजे तक झांसी ये काफिला पहुंच सकता है, कल शाम को 5 से 6 बजे तक प्रयागराज ये काफिला पहुंच सकता है। कुल मिलाकर ये अपडेट हमारे पास है कि कल शाम को 5 से 6 बजे तक प्रयागराज में अतीक अहमद पहुंच सकता है और 4 साल के बाद होगा जब प्रयागराज में अतीक अहमद की एंट्री होगी। अब देखिए ड्राइवर को क्योंकि बदलना है, इतना लंबा रास्ता है, अब ऐसे में ड्राइवर पूरा रास्ता नहीं ड्राइव कर सकता है जाहिर तौर पर, तो ड्राइवर को चेंज करना है। जानकारी मिल रही है कि चित्तौड़गढ़ के पास यहाँ पर एक हॉल्ट लिया जा सकता है और वहां पर ड्राइवर को बदला जा सकता है, डिनर किया जा सकता है। और देखिए कल शाम को 5 से 6 बजे के बीच टेंटेटिव ये माना जा रहा है कि प्रयागराज पहुंच सकता है ये पूरा काफिला, जिसके बाद नैनी जेल में रखा जाएगा और उसके बाद वहां पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है। शैलेश अरोड़ा से हम ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। शैलेश, सवाल मैं आपसे कर रही थी कि चित्तौड़गढ़ पहुंचने के में कितना भी वक्त लगेगा, और जो प्लान में था कि चित्तौड़गढ़ के पास एक हॉल्ट लिया जा सकता है, क्या वो अभी भी उसी प्लान के हिसाब से चलेगा? देखिए लगभग आधे घंटे का वक्त और बताया जा रहा, आधे से पौने घंटे का कि चित्तौड़गढ़ पहुंच सकते हैं। और जहां तक बात है हॉल्ट की, तो देखिए इसको लेकर अभी भी एक हॉल्ट तो देखिए लिया जाना है निश्चित रूप से, क्योंकि ड्राइवर्स को चेंज किया जाना है। दूसरी चीज़ अगर बात करें तो वहाँ पर जो लोकल पुलिस है उससे संपर्क करके यही देखा जा रहा है कि कौन सी जगह सेफ रहेगी, यानी कहाँ पर सन्नाटा ना हो, आसपास सारी व्यवस्थाएँ हो, जिसको फ्रेश होना हो सके। तो इन चीज़ों के लिहाज से, सुरक्षा के लिहाज से, क्योंकि देखिए जब ड्राइवर्स चेंज होंगे या फ्रेश होंगे कुछ समय होने चाहिए होगा। अभी तक जो 2 हॉल्ट हुए हैं आपने भी देखा कि वो छोटे हॉल्ट थे, यानी कम समय के लिए काफिला वहाँ पर रुका था, लेकिन अब जो तीसरा हॉल्ट होगा, जो तीसरा स्टॉपेज होगा, वो थोड़ा सा ज़्यादा वक्त का हो सकता है और ऐसे लगभग मान के चलिए 15 से 20 मिनट के लिए वो स्टॉपेज भी हो सकता है। और ऐसे में ये देखा जा रहा है कि जब इतनी देर रुकना है तो ऐसी जगह हो जो सुरक्षा के लिहाज से पूरी तरह से मुफीद हो, वहाँ पर सन्नाटा ना हो, तो इन चीज़ों को देख कर ही रोका जाएगा। और इसके बारे में जो वहाँ की लोकल पुलिस है वो सबसे बेहतर बताएगी, इन चीज़ों के बारे में उससे संपर्क भी किया जा रहा है। और उसके बाद में ये जो स्टॉपेज अब होगा तीसरा, तो वहीं पर ड्राइवर्स चेंज किए जाएंगे। जहाँ तक बात देखिए, अभी आप भी जिक्र कर रहे थे, जो एक टेंटेटिव टाइमिंग प्रयागराज पहुँचने की है वो भले ही कल 5 से 6 बजे हो, लेकिन कोशिश ये है कि रात में ज़्यादा से ज़्यादा फासला जो है उसको कवर कर लिया जाए, उसके अलावा भी दिन में जितना हो सके। तो कोशिश ये की जा रही है कि काफिला जो है वो अपने टेंटेटिव टाइम से भी पहले, यानी लगभग 2 से 3 बजे तक प्रयागराज पहुंच जाए। इस तरह की कोशिश जो है, जो हमारे पास सोर्सेज से जानकारी आ रही है, वो की जा रही है कि कम से कम वक्त लगे और सुरक्षित तरीके से सब लोग वहाँ पर पहुँच जाए, क्योंकि जब तक ये काफिला चल रहा है तब तक देखिए निश्चित रूप से चुनौतियाँ सामने है। एक कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ी चुनौती, सुरक्षित तरीके से लेकर पहुंच रहा, सबकी निगाहें टिकी, तो इसलिए जितनी जल्दी पहुंच जाए उतना अच्छा। और इसी लक्ष्य को लेकर लगातार यहां पर जो पुलिसकर्मी है वो टीम चल रही है, कोई भी सूचना लीक ना हो। जहां तक बात की जाए रूट की, तो देखिए रूट जो है अगर आप देखें तो पहले और अब में कुछ बदलाव जरूर देखने को मिला। जिस तरह से पहले चीज़ें आ रही थी कोटा में एंटर होने की, फिर आती है कोटा में नहीं जाएंगे, तो कहीं ना कहीं देखिए कुछ गोपनीय तरीके से चीज़ें चल रही हैं ताकि किसी को भी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन ना हो। और इसीलिए बहुत ही गिने चुने से 5 लोगों पास जैसा
अभी बात भी हो रही थी कि मोबाइल फोन दिए गए अधिकारियों के पास में, वही लोग जो है वो लगातार पुलिस मुख्यालय से अपने आला अधिकारियों से लगातार जो प्रयागराज का कमिश्नरेट है वहाँ से लगातार उन सब जगहों से संपर्क में है, और इसके अलावा किसी को कोई जानकारी नहीं है कि किस रूट से जाएंगे, कहाँ से नहीं जाएंगे। हालांकि प्लान बी जो है वो हमेशा ऐसे मामलों में तैयार रखा जाता है कि अगर किसी भी वजह से कोई भी संदेह, कोई भी आशंका लगती है कि ये रूट जाते चल रहे हैं वो सुरक्षित नहीं है, आगे कोई इन्फो आती है, तो इन चीज़ों के लिहाज से देखिए प्लान बी जो होता है वो हमेशा बनाकर रखा जाता है और उस प्लान बी को तुरंत इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। तो निश्चित रूप से प्लान बी भी अपना तैयार है और जो इस प्लान के साथ फिलहाल टीम आगे चल रही है, कहां पर रूट को चेंज कर दिया जाए इसके बारे में अभी बहुत ज़्यादा एक्यूरेट कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि इससे पहले भी कई बार हमने देखा, जैसे मुख्तार अंसारी के मामले में भी हमने देखा कि रूट को हल्का सा चेंज किया गया था, और इसके पीछे जो वजह होती है वो होती है सुरक्षा कारण कि किसी को अनुभव शैलेश इस पूरे रूट में देखने को मिले, और अनुभव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा अपडेट ले लेते हैं। अनुभव, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रही हूँ 11:32 हुए हैं और पूरा प्रदेश इस वक्त एबीपी गंगा को देख रहा है कि किस तरीके से ये महा कवरेज हम दिखा रहे हैं और ये काफिला कैसे कैसे आगे बढ़ रहा है, कहां कहां पर रुक रहा है, लेकिन आप राजनीतिक हलचल के बारे में बताइए, क्योंकि अखिलेश यादव अभी अभी एक ट्वीट करते हैं जिसके अलग अलग मायने निकाले जाते हैं, तो क्या अतीक अहमद का ये जो पूरा मामला है ये केवल कानून व्यवस्था के साथ जुड़ा है या राजनीतिक गलियारों में इसकी क्या चर्चा है, वहां से क्या हम तक एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है, वो आप बताएं सर। उनको बोलना और उसी वक्त अखिलेश यादव किसी मामले को लेकर वो कहते हैं सदन में इस पर बहस, और उसके बाद आप उन्होंने कहा कि लोगों ने ऐसे जो माफिया है जो बदमाश है गुंडे हैं। अनुभव, आपकी आवाज में कुछ दिक्कत मिल रही है, कुछ तकनीकी खामी लग रहा है, आवाज क्लियर नहीं पहुंच रही, आप एक बार दुरुस्त कर लीजिए, मैं वापस से आपके पास लौटती हूं। शैलेश, इसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि अनुभव बता रहे हैं कि राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा है और ये एक प्रेशर भी है, जैसा आपने जिक्र किया विकास दुबे के केस में हुआ, हालांकि उसके बाद मुख्तार अंसारी को लाया गया तब किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जिस तरीके के तंज कसे जा रहे हैं, कहा जा रहा है, पहले बातें की जा रही है गाड़ी पलटने को लेकर, तमाम तरह की बातें फिर ट्वीट किया जाता है, क्या मतलब है इन सब? अब देखिए निश्चित रूप से विपक्ष जो है वो तो हमलावर है, लेकिन कई बार आप देखिए नेताओं की तरफ से भी इस तरह के बयान आते हैं, मंत्रियों की तरफ से भी आते हैं, जब हम ये सवाल पूछते हैं क्या गाड़ी पलटेगी, तो कई मंत्री जो है वो भी इस बात को बोल चुके हैं कि देखिए गाड़ी तो कभी भी पलट सकती है, भले ही उनके कहने का मकसद कुछ भी हो, लेकिन एक संदेश भी इसमें छुपा हुआ है, और सबसे बड़ा जो संदेश है वो तो मुख्यमंत्री देखिए खुद ही दे चुके हैं, मिट्टी में मिला देने की जो बात है, और उसको लेकर अखिलेश यादव ने एक आपको ध्यान होगा ट्वीट भी किया था, बयान दिया था, कहा था ये सरकार तो सिर्फ डायलॉग पर चल रही है। जब मुख्यमंत्री ने सदन में मिट्टी में मिला देने वाला बयान दिया, बात कही, तो उसके बाद अखिलेश यादव ने यही कहा कि सरकार डायलॉग पर चल रही है, लेकिन सरकार जो है वो भी दिखाना चाहती है, बताना चाहती है कि वो डायलॉग पर नहीं चल रही है बल्कि वो अपने काम पर चल रही है, और जब पूरे 6 साल का कार्यकाल पूरा हुआ, 25 मार्च एक ही दिन अभी बीता है, तो मुख्यमंत्री जब बात कर रहे थे तो उन्होंने कानून व्यवस्था को बातचीत में उठाया, और उन्होंने ये भी कहा कि निश्चित रूप से कानून व्यवस्था पर लोगों का भरोसा कायम हुआ है और लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर लगातार सरकार जो है बेहतर प्रदर्शन कर रही है। अपराधियों माफियाओं को लेकर एक मुख्यमंत्री का बयान हमेशा देखिए चर्चा में रहता है, और जब ये प्रयागराज कांड हुआ तो उसी बयान को लेकर विपक्ष ने निशाना साधा, वो बयान क्या है देखिए मुख्यमंत्री का कि अपराधी या तो प्रदेश छोड़ गए या जेल में कैद है। अब विपक्ष यही सवाल उठाता है कि अगर अपराधी जेल में है या प्रदेश छोड़ गया तो ये प्रयागराज में दिन दहाड़े हत्या कैसे हो गई, तो एक चुनौती खुली जो है वो कहीं ना कहीं जब सरकार के सामने आई है तो उसका जवाब भी दिया जाना है। बुलडोजर का चलना तो देखिए उसी दिन शुरू हो गया था जिस दिन ये हत्याकांड होता है प्रयागराज का, उसके तत्काल बाद लगातार माफियाओं की जो संपत्ति है उसको चिन्हित किया जाता है, उन पर कार्रवाई शुरू होती है, जो शूटर है उसका एनकाउंटर एक होता है, 2 एनकाउंटर देखिए अब तक हुए, कई गिरफ्तारियां हो चुकी है, पूछताछ चल रही है, लेकिन जो सबसे बड़ा नाम इसमें था वो खुद अतीक अहमद का था, और ऐसे में अतीक अहमद का इस समय उत्तर प्रदेश में लाया जाना निश्चित रूप से एक
बड़ा काम होगा, और ऐसे में यही वजह है कि लगातार जो है वो इसके ऊपर निगाहें भी रखी जा रही है। लेकिन जिस तरह से विपक्ष की बात करें, राजनीतिक गलियारों से लेकर आम जन तक की निगाहें इसी पर, और लगातार जिस तरीके से एबीपी गंगा हर वो कवरेज भी दिखा रहा है, काफिले से जुड़ा अपडेट देखिए, 5 घंटे 52 मिनट का समय बीत चुका है और एबीपी गंगा पर नॉन स्टॉप कवरेज लगातार जारी है। जिस तरीके से अनुभव हमने देखा, अखिलेश यादव एक ट्वीट करते हैं जिसमें वो गोलमोल तरीके से इशारों इशारों में बहुत कुछ कहने का प्रयास कर रहे हैं। अब अपने अपने हिसाब से समझ लीजिए वो क्या कह रहे हैं, ये समझना होगा, महत्वपूर्ण ये हो जाता है। लेकिन उससे पहले जब भी किसी माफिया को एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करना होता है तो गाड़ी पलटने जैसी बातें कही जाती है। ये कहीं ना कहीं एक तरीके का रिवाज सा बनता नजर आ रहा है यूपी में। राजनीतिक तरीके से क्या संदेश, क्या मैसेज देने की कोशिश की जाती है? देखिए, जिस ट्वीट की आपने बात की है कि अखिलेश यादव का जो ट्वीट है, उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले ट्वीट किया, उन्होंने ये लिखा है कि समय कभी भी बदल सकता है और किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं मैसेज तो वही है, अभी कैमर को जिस तरीके से पुलिस लेकर आ रही है, और ऐसे में अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया, और उससे पहले आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी सुबह, अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे पार्टी कार्यालय में, तो साफ तौर पर उन्होंने यही कहा कि भाई अगर किसी मंत्री ने ये कहा कि गाड़ी पलट सकती है तो शायद वो मुख्यमंत्री ने उनको बताया होगा। फिर वो गूगल की बात करने लगे, फिर वो ट्रैकिंग की बात करने लगे कि हर एक चीज ट्रैक होती, रिकॉर्ड में होती है। पर सवाल यही है जो बात मैं पहले कह रहा था कि जब ये उमेश पाल का हत्याकांड हुआ तो उस वक्त यूपी में बजट सत्र चल रहा था, मुख्यमंत्री को सदन में बोलना था, और ये जब घटना हुई, दिन दहाड़े हत्या हुई, तो सरकार को भी लगा कि एक बड़ी घटना हो गई है, क्या जवाब सदन में कैसे देना है, ये सरकार भी सोच रही थी। और उस दिन जब मुख्यमंत्री को बोल रहा था, लीडर ऑफ अपोजिशन को ने सबसे पहले वहां पर सवाल खड़ा कर दिया, अखिलेश यादव ने कहा कि भाई ये कैसे हो गया, इस पर हम बहस चाहते हैं नियम 56 के तहत। और फिर मुख्यमंत्री ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ऐसे माफिया अपराधी किसने पल्लवित पोषित किए हैं यूपी में, सबको पता और सबको मिट्टी में मिला देंगे। तो वो जो बात मुख्यमंत्री ने कही, कहीं ना कहीं उसका असर देखने को मिला। आप देखिए 31 दिन हो गए हैं, 2 इनकाउंटर हो चुके हैं, इसके अलावा जितने भी आरोपी हैं उन पर जो इनाम राशि है वो 5-5 लाख रुपए सरकार ने बढ़ाकर कर दी है, और तमाम जो अतीक के गुर्गे सहयोगी जो लगातार, जो बात मैंने पहले कही, जब शाम को हमने बात कही, जब शाम को बात इसी मुद्दे पर हो रही थी, तो इस सरकार ने केवल ये काम नहीं किया कि माफिया के खिलाफ कार्रवाई की, ना जो माफिया की कमर है, आर्थिक स्ट्रक्चर जो उसका आर्थिक साम्राज्य है, उसको तोड़ने का काम किया है जिस बुलडोजर कार्रवाई की बात हम कर रहे हैं। उस बुलडोजर कार्रवाई को लेकर भी जिस तरीके से राजनीतिक तौर पर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, बयानबाजी होते हैं, वो हम सब सुनते हैं। शैलेश, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि अतीक अहमद कोई आम अपराधी नहीं है, ये वो इंसान है जिसने, जो राजनीति में गया और उसके बाद संरक्षण भी मिला, चुनाव लड़ता है जेल से, और ये वो अपराधी है जिस पर इतने मुकदमे दर्ज हैं। ऐसे अपराधी को जब 4 साल के बाद प्रयागराज में जिसकी एंट्री होगी, बड़ी संख्या में जिसके सपोर्टर्स भी हैं, प्रयागराज में एंटर होने के बाद तो पुलिस प्रशासन की के लिए और बड़ी चुनौती हो जाएगी, वहां पर कैसे टैकल करना है सभी को? पूजा, आपने बिल्कुल सही कहा, उसके बड़े सपोर्टर्स हैं, और उसका जवाब जो है वो कुछ देर पहले हम और आप चर्चा जब कर रहे थे, अपने दर्शकों को दे रहे थे, वो यही था। जिस तरह से पुलिसकर्मियों को वहां से हटाया गया, तो कहीं ना कहीं जो उसके सपोर्टर्स हैं, चाहे वो एक लोगों के बीच में रहने वाले हो या फिर पुलिस प्रशासन, इसके बीच में छुपे हुए उसके सपोर्टर्स हो, उस पूरे काकस को खत्म करने का काम पहले से ही किया जाना शुरू हो गया है। दूसरी चीज, जिस समय अतीक अहमद से जुड़ी संपत्तियों पर कार्रवाई हुई या उसके सहयोगियों की संपत्ति पर कार्रवाई हुई, जिस तरह से अतीक अहमद के बेटे पर इनाम रखा जाता है, उसकी पत्नी पर मामला आता है, जिस तरह से एक एक करके 2 एनकाउंटर होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो अतीक अहमद को लेकर खौफ है एक लोगों के मन में, उसको खत्म करने की कोशिश भी लगातार ये की जा रही है। और देखिए, कहीं ना कहीं कोई भी माफिया हो, कोई भी अपराधी हो, उसकी 2 सबसे बड़ी ताकत होती है, एक लोगों के मन में उसका खौफ, और दूसरी जो उसकी आर्थिक मजबूती होती है। तो दोनों ही मोर्चों पर लगातार देखिए सरकार काम कर रही है, एक तरफ जहां संपत्तियों पर बुलडोजर चल रहा है, एक तरफ जो उसके सपोर्टर्स हैं उनकी संपत्तियों पर बुलडोजर चल रहा है, तो आर्थिक रूप से कमर तोड़ने का काम, और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो इन सारी कार्रवाई से जो लोगों के मन में एक खौफ होता है, एक मैसेज जाता है देखिए उसके बाद में, कि इतना बड़ा माफिया लेकिन
कुछ नहीं कर पा रहा वहां पर, अगर उसके ऊपर ये कार्रवाई हो रही है तो लोगों के मन में देखिए एक मैसेज भी जाता है। तो कहीं ना कहीं और बिल्कुल शैलेश, ऐसे माफियाओं का, ऐसे अपराधियों का हश्र क्या होता है? जब उनके चेहरे पर खौफ दिखता है ना जनता को, तब समझ में आता है कि इस तरीके के कुख्यात जो अपराधी होते हैं उनका हश्र कुछ अच्छा होता नहीं है। जैसा कि अब पुलिस प्रशासन उसको वहां पर लेके जा रहा है, कोर्ट में फैसला देखना होगा। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, लगातार अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।